हमारे यहाँ एक गलत अवधारणा फैल गई है कि बहुत सारे अनाजों को हमने बांट दिया है, ये गरीबों के लिए है, ये अमीरों के लिए है। मकई एक तरह से जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, बिहार, बंगाल, आसाम या पहाड़ी राज्यों में जहाँ खाने के लिए दूसरे अनाज उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे तत्व मकई के अंदर गेहूँ से ज़्यादा हैं, परंतु प्रायः मकई खाने वाले लोगों को लोग समझते हैं कि ये गरीबों का आहार है। गरीबों का आहार नहीं है, ये आपको निरोग और निरामय करने का आहार है, इसलिए आहार में इसको शामिल कर लेना चाहिए। जो मक्के का सेवन करते हैं, मक्के को ऐसी आप भून करके कॉर्न के रूप में आपको बाजार में मिलता है भुना हुआ मक्का, यदि उस मक्के का भी यदि आप सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि भुना हुआ मक्का बहुत प्रचुर उसके अंदर प्रोटीन है, वह आपके कफ के लिए वो हेल्प करता है। और मक्के को जो भून करके ऐसे आग में भून करके खाया जाता है, मक्के को भून करके खाने से वह भी बहुत ही पौष्टिक है, और इसके अंदर एक विशेष करके ग्लूकोज एक शर्करा होती है, और वो शर्करा इसको यदि गन्ने से भी कम परिश्रम से यदि ये किया जाए, अभी बाज़ार के अंदर इसकी जो शर्करा है, इसकी जो चीनी है जो मक्के के द्वारा बनाई गई है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मक्के के अंदर बहुत मिठास है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो मधुमेह के रोगी हैं उनको मक्के का सेवन कम करना चाहिए, बाकी लोग बहुत ही आनंद के साथ सेवन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके जो बाल से निकले हुए हैं, ये जो बाल है यदि हम इसको पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके यदि थोड़ा सा मिश्री मिला करके पिला देते हैं, तो ये आपकी प्रमेह की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी इस भुट्टे के जो बाल हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये तो बिना काम के हैं, हालांकि यह मूछ नकली बनाने में भी इसको आप बच्चे खेल करते हैं उस तरह से बनाया जाता है, तो ये सिर्फ मात्र ये प्रकृति के सुंदरता की अनुपयुक्त वस्तु नहीं है, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही लाभकारी है प्रमेह और प्रदर के लिए। बहुत ही ज़्यादा जैसे जिनको UTI इन्फेक्शन है उन लोगों के लिए भी यदि इन मक्के की बालों को निकाल करके और इसको पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके पिए बहुत ही लाभकारी है। और जिनको ज़्यादा श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, शीशम के पत्ते उसमें ये भुट्टे की जो बाल हैं इनके बालों को लेकर के शीशम के पत्ते के साथ मिला करके मिश्र मिला करके आप घोट करके पिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और दूसरा इसका जो प्रयोग है, हम प्रयोग कर सकते हैं इसका मूत्र संबंधी रोगों के लिए, जिनको पेशाब कम होता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, उनके लिए यह बहुत ही गुणकारी है। हमने सुना है फिलीपींस के अंदर मूत्र रोगों की जगह यह मूत्र रोगों को दूर करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और हमने सुना है कि निश्चित रूप से यह जो पौधा है फिलीपींस में भी और ग्रीस में भी इसको मूत्रजन्य रोगों में ये विदेशों में इसकी प्रमाणिकता के साथ आज भी प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इसका प्रयोग करें और मूत्र संबंधी जितने भी विकार हैं या धातु संबंधी जो रोग हैं उनको हम दूर करें।